मुस्कानपुर में बीती रात दो वारदातें हुई, जिसमें से एक फजलगंज थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, तो वहीं दूसरी वारदात मूलगंज थाना क्षेत्र में हुई है। यहां एक युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला किया गया है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मूलगंज थाना क्षेत्र में हुई इस खूनी वारदात के एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश करने में जुट गई, लेकिन पुलिस को खूनी वारदात की अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश में लगी हुई है। एडीसीपी सुमेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि परिजनों द्वारा तहरीर मिलते ही मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें जो पीड़ित है वो कुछ खास बोलने में असमर्थ है, कई बार पूछा गया है लेकिन कुछ खास जानकारी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम लिया है नजीमुर रहमान, लेकिन किस वजह से इनके बीच में झगड़ा हुआ है इस संबंध में उन्होंने अभी कुछ तथ्य देने से मना कर दिया। क्या अभी किसी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, मुकदमा पंजीकृत किया? इस संबंध में एक टीम घटना स्थल पर मौजूद है, वो सीसीटीवी फुटेज ये खंगाल रही है और इनके परिजनों से भी इस संबंध में तहरीर ली जा रही है कि घटना के पीछे क्या वजह थी और कौन लोग मौजूद थे।